और भाई इधर आना दो जी। निकलो थोड़ा प्लीज टेक इट सर। बोला इसमें नहीं प्लीज और टेक मत। इसका मकसद क्या है सर? लाइना सिर्फ दो रखो, ड्राइव होती है बच्चों के लिए, बड़ा अच्छा मौका है। और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं प्राइवेट सर, हमारे स्कूल में इधर ले जो फैसिलिटी हमारे स्कूल में टाइप प्राइवेट स्कूल में नहीं है। एजुकेशन हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हम चाहते हैं कि पूरा बच्चे ज्यादा से हमारे स्कूल में आए और हमारे स्कूल की जो एनरोलमेंट है बढ़े बढ़े बढ़े। थैंक यू। बड़ी तादाद में ऐसी मिट्टी जो है करवाई जा रही है, इसी तरह की 11 रैली में बड़ा इंडस्ट्री के अंतर्गत शोर शाइकर करवाई जा रही है। जन जागरण अभियान है और हर गांव पर इस रैली पहुंचाने का प्रयास है। मकसद ये है कि सरकारी स्कूलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपने बच्चों को खिलाए, सरकारी सुविधाओं का लाभ स्कॉलरशिप मिलता है। जो बच्चे माइनॉरिटी में आते हैं उनको भी मिलता है, जो बच्चे हैंडीकैप हैं हर तरह का स्कॉलरशिप मिलता है। कोशिश ये की है कि बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया जाए ताकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई जो है नहीं होती, यहाँ प्रॉपर पढ़ाई होती है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में जो है अनुकूल करवाई जाए। रैली का मकसद क्या है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी रियासत पूरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो एनरोलमेंट ड्राइव का आगाज़ किया है और इसी सिलसिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानब से एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए भी निकला है कि जहां मुख्तलिफ जो बाइक रैलीज हैं डोर टू डोर कम्पेन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नेवर एनरोल्ड अगर कहीं कोई है या ड्राप आउट हैं तो उनको भी इस दायरे में शामिल किया जाए और वो सभी बच्चे स्कूल जा सकें। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों के लिए चलाई गई हैं, उन सरकारी स्कूलों की जितनी स्कीम्स हैं उनका बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाने के लिए यही आज का हमारा इस रैली का मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरफ मुतवज्जा कराया जा सके कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कराएं। और ये हमारी तरफ से रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है कि आप अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएं और भारत सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों का भरपूर फ़ायदा। अंदर एनरोलमेंट ड्राइव बड़े पैमाने पर चल रही है तो ऐसे में पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी सरकारी स्कीमें हैं जो सरकारी स्कूलों के अंदर दी जा रही हैं वो आम समाज तक पहुंचाने को लक्ष्य को लेकर के आज जो ये रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आज आपने देखा होगा कि फीमेल टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान हो और सरकारी स्कूल के अंदर चाहे काउंसलिंग हो, गाइडिंग्स हो, जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो आम समाज तक पहुँचाने को लक्ष्य को लेकर के ये रैली ऑर्गेनाइज की गई। इसी तरह की 11 रैलीज जो हैं बाकी सभी जोन्स के अंदर भी करवाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये
एनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में यहाँ से हम ये जो रैली निकाल रहे हैं जनाब किशनगढ़ दास सीओ साहब के यहाँ के, और यहाँ जितने भी हमारे जैसे जैसे सीओ साहब हैं इनकी क़यादत में हम ये रैली जो है वो निकालने जा रहे हैं एनरोलमेंट ड्राइव के सिलसिले में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बड़ा जोर दे रही है हर बच्चा जो है पढ़े, हर बच्चा जो है वो स्कूल में आए, तो इसी सिलसिले में हम ये बाइक रैली आज यहाँ से इस शीश महल हायर सेकेंडरी स्कूल से निकाल के पूरे सारे जोन के स्कूलों से ये जा रही है, और इसी सिलसिला में हम यहाँ पे इस रैली को इख्तिताम करेंगे, और हर बच्चे को यहाँ पे हमने स्कूल में जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी अपने स्कूल से बच्चे निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में डाले हैं, तो इसी सिलसिला में हम ये रैली जो है वो निकालने जा रहे हैं। थैंक यू।